नमस्कार, राम राम सा, जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार की कलाकारी दिखाता हूं जो वाकई में दिल छू देने वाली है, क्योंकि इस कलाकार की कलाकारी के पास से अगर कोई व्यक्ति गुजरता है तो एक बार जरूर रुकता है और इस कलाकारी को निहारता है। ये कलाकार मूर्ति कलाकार है और इस कलाकार ने एक देश के जवान की ऐसी कलाकृति बनाई है जिसे वाकई हर कोई देखना चाहता है, और इस कलाकृति को देखने के साथ ही शहीद को सैल्यूट के साथ साथ इस कलाकार को सलाम करते हैं, क्योंकि इसने वाकई में अद्भुत ऐसी कलाकारी बना दी है। ये लोग जो आमतौर पर इस मिट्टी के और इस प्रकार के जो मूर्तियां होती हैं वो बनाते हैं, चाहे गणपति विसर्जन की वो बात करें या अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन अभी एक ऑफ सीजन चल रहा था, इस दरमियान इन्हें एक ऐसा ऑर्डर मिला कि एक देश के जवान की एक मूर्ति बनानी है। तो इन भाई साहब ने बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुंदर सुंदर जो है कला अपनी कला दिखाई है, अपनी कलाकारी के दौरान इस प्रकार की एक वीर जवान की शानदार, आप देखिए कि किस प्रकार से एंटीना लगा रखा है और कितनी शानदार जो है वो एक मूर्ति बनाई है। और अब इनसे हम बात करते हैं कि ये मूर्ति किसने बनाई है, कहाँ से ऑर्डर आया था और क्या पूरी बात है। अच्छा, नाम क्या है आपका? इसके पास है एकदम। मेरा नाम सुरेश है। अच्छा, कहाँ से हो सुरेश आप? मेरा गांव कल्याणपुरी है, बाड़मेर जिले। बाड़मेर के कल्याणपुरी हैं। अच्छा, तो ये किसका ऑर्डर था और कितने दिन लगे? जब फौजी थे मिलिट्री साहब बनाने उतले में लगाए गए। हाँ, तो पता नहीं कहाँ लगाए गए। मैंने ऑर्डर तो 40,000 रुपये में। 40,000 रुपये में सीमेंट की है मूर्ति। अच्छा, पूरी सीमेंट की मूर्ति। तो आपने ऐसी, मतलब उन्होंने कोई डिजाइन दी थी या आपने? फोटो दिया था उन्होंने, फोटो देख के बना दिया। मतलब इतनी अच्छी कलाकारी कहाँ से सीखी हो आप? सीखे पैदा से, यही काम है मूर्तियों का, दादा परदादा का आया था यही। अच्छा, पैदा मतलब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, अपना जो पैदाइशी काम है। अच्छा, ये बच्चा भी कर रहा है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारा पैदाइशी काम है और बच्चा भी देखिए आप कलर कर रहा है बेटा। वाकई में बहुत ही अद्भुत कला। अच्छा, तो और किस किस प्रकार की आप ये इस प्रकार की मूर्ति? ऑर्डर देगा वैसे बना देंगे, फोटो लाके दोगे? फोटो लाके जो भी लाके दो बना देंगे। शेर भी फोटो देख के बनाया दोनों। ये मंदिर में लगेंगे शेर? ये मकान के आगे लगाएंगे राजपूत। अच्छा, मकान के आगे लगाएंगे। अच्छा, राजपूत है। और आमतौर पर किस किस चीज की मूर्तियां बनाते हैं? जैसे ऑफ सीजन नहीं है, सीजन ऑर्डर होता है वैसे भी बना लेते। गणेश ऑर्डर में बैठे गणेश जी की बना देते हैं, मूर्ति को कलर भी करना होता तो हम कलर भी करके आ जाते हैं। हाँ, तो आपके सीजन का दिन वो गणेश विसर्जन जब होता है? सीजन आती है, जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी जी आते हैं, बहुत सीजन आती है। हाँ, वो आते रहते हैं, नवरात्रि में माता जी की आती है। तो पूरा परिवार मिल करके ये सारा चीज बनाते हैं, मूर्ति का ये काम करते हैं? तो कब से करके करते हैं? मतलब आपके जन्म से ही आप लोग ये सारा सब यही काम करते हैं, हम भी यही काम करते हैं। तो अच्छा, इस मूर्ति में क्या क्या आपने क्या क्या कलाकृति दिखाई मुझे, एक एक थोड़ा सा बताइए। पूरी हाथ से बनी, इसमें कोई चीज नहीं लगी। अच्छा, ये सारे जेब हैं और आर्म्स है वगैरह सब। हाँ, सब टोपी वगैरह। आप देखिए, बहुत ही शानदार मूर्ति जो बनाई है, एक जवान की मूर्ति बनाई है इन कलाकारों ने। और वाकई में इनका कहना है कि हमारा पूरा परिवार जो है, हमारे दादा परदादा भी इसी प्रकार की काम करते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। और इन्होंने पास, आप देखिए, दो शानदार जो शेर हैं उनकी भी इस प्रकार की मूर्तियां तस्वीरें बनाई है। कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का आप फोटो ला करके हमें दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसी हम मूर्ति आपको बना करके दे देंगे।